मैंने सर्च किया अभी कि कोई ऐसा तरीका है कि मल्टर हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को ना छेड़े, तो भाई उसका जवाब ये मिला है इंटरनेट से 5 मिनट सर्च करने के बाद कि इसका कोई तरीका नहीं है कि मल्टर हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को ना छेड़े, ठीक है। लेकिन स्टिल इसका एक सॉल्यूशन इंटरनेट पे सजेस्ट किया जा रहा है, जो कि सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? अभी तक हम क्या करते थे, हम हमारे पास ये राउटर था हमारा स्लैश पोस्ट, इसके बाद पहला मिडलवेयर हम दाखिल करते थे मल्टर का, और फिर दूसरा मिडलवेयर हम दाखिल करते थे अपना पोस्ट वाला। तो ये कह रहे हैं लोग कि यार आप एक काम करो, ये मल्टर से पहले एक मिडलवेयर और लगा लो, और उस मिडलवेयर में आप क्या करो, उस मिडलवेयर में आप ये काम करो, ये देखो ये इतना मिडलवेयर मेरा एक अलग से लग गया। अच्छा, इस मिडलवेयर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले तो चेक करता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे वो, जाहिर है जब तक वो मल्टर में एंटर नहीं हुआ, तो जब तक मुझे वो पहले वाली जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी थी जो मेरे कुकी पार्सर के ज़रिए मैंने वो क्रिएट की थी JWT का, जहाँ पे मैं चेक करता हूँ, चेक लगाता हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे मिल रही थी। तो लिहाजा मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको सेपरेट किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की जगह मैंने उसको रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड में डाल दिया। अच्छा, अगेन ये हरकत जो हो रही है वो सिर्फ इस API के लिए हो रही है, इसका दूसरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने कहा भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को ना, अच्छा मैंने ये क्लोन किया, आप नोट कीजिएगा, ठीक है, क्लोन किया है मैंने। अदरवाइज अगर मैं उसको क्लोन नहीं करता ना, तो हो सकता था कि वो चेंज करने के बावजूद एक में चेंज हो तो दूसरे में भी आया, तो वो लिहाजा वो गड़बड़ हो जाएगा, सर्कुलर ऑब्जेक्ट वाला इशू आ सकता था। तो मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोन इसका लेके मैंने इधर डाल दिया, सही है। अच्छा, और उसके बाद मैंने ये कॉन्सोल, तो मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है अलग अलग, इसको कॉन्सोल की इतने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक ये लाइन लिख के इसको मैंने सेपरेट किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी था उसको सेपरेट कर लिया, और मैंने नेक्स्ट कॉल कर दिया। नेक्स्ट कॉल करने से ये इतना जो मिडलवेयर था इससे निकलेगा और अगले मिडलवेयर में दाखिल हो जाएगा। अगले मिडलवेयर में क्या होगा, फाइल को सेव करेगा और बॉडी में जो डेटा था उसको बॉडी में डाल देगा। लिहाजा क्या होगा, अब मैं नीचे जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड करता था उसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड, सही है। यहाँ पे आप देखें, मैंने रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड को अलग किया, बॉडी को अलग किया। रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड में मुझे क्या मिलेगा, जो कुकी वाला डेटा है वो मिलेगा, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे क्या मिलेगा, जो फॉर्म डेटा के अंदर रिक्वेस्ट में आ रही है बात वो मिलेगी। तो इन दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, सही है। ये बात हो सकता है, मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आई आप लोगों को, वेल तो सम हाउ आप इसको इतना समझेंगे, मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस रिक्वेस्ट की जो बॉडी, जो मेरी पुरानी बॉडी थी ना, उसको मैंने सेपरेट किया, अलग वेरिएबल में उसको मैंने डाल दिया। अच्छा, अलग वेरिएबल में यहाँ पे वैसे कॉन्स्ट करके या लेट करके बना भी सकता था, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली पास होता है एक से दूसरे में, तो मैंने इसी रिक्वेस्ट में ही डॉट लगा के बनाया है। उसका रीज़न ये है कि ये रिक्वेस्ट पास होता है एक से दूसरे मिडलवेयर में ऑटोमेटिकली। अगर मैं कोई वेरिएबल बाहर बनाता ना, तो वो ज़रा प्रॉब्लम हो जाता फिर, ठीक है, वो क्योंकि एक तो वो ग्लोबल हो जाता है वेरिएबल, दूसरा अगर मैं इस फंक्शन के अंदर बनाता बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, और कोई तीसरी जगह मेरे पास है नहीं, तो वो दैट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया कि अगर मैं अलग से यहाँ पे लेट करके बनाऊँ। तो इसलिए मैंने इसी रिक्वेस्ट के अंदर ही डॉट लगा के जो है ना, एक डिकोडेड के नाम से डायरेक्ट बना लिया, ठीक है, बॉडी को मैंने साइड साइड पे कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे मिलना शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, एक तो मुझे टाइटल और टेक्स्ट, ये किस में मिल रहा है, ये मुझे बॉडी में मिल रहा है, क्योंकि ये मैंने अभी फॉर्म डेटा की रिक्वेस्ट के साथ भेजा है। अच्छा, कुछ जगहों पे मुझे क्या चाहिए, डिकोडेड डेटा। ये मुझे डिकोडेड डेटा कहाँ चाहिए, ये मुझे चाहिए जब इस पोस्ट को मैं सेव करवाता हूँ इंसर्ट, तो यहाँ पर टाइटल और टेक्स्ट तो सीधा सीधा है, लेकिन ईमेल की जब बात आती है ना, तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड, वो मैंने हटा दिया, अब डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड में मिलता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है, ऑथर आईडी की जहाँ पे बात है ना, वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड डॉट अंडर स्कोर आईडी, इसी तरह है ना, देखो यहाँ प्रिंट भी होता है, ये जब मैं रिक्वेस्ट मारता हूँ ना, तो ये डिकोडेड के नाम से मेरे पास, ये मुझे डिकोडेड में ये मिलता है, तो ये मेरे ऑथर की आईडी आ गई यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ इस पोस्ट में, कहाँ चला गया वो, जब मैं इंसर्ट करता हूँ ना इसको, तो ये रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड डॉट ईमेल और रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड डॉट अंडर स्कोर आईडी, ये दोनों चीज़ें यहाँ लगा देता हूँ, दैट्स इट, सही है। तो ये मेरा काम सेट हो गया। अच्छा, तो अभी मैं जब इसको हिट करूँगा, तो ये इंसर्ट रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ जाएगा, पोस्ट क्रिएटेड लिखा हुआ आ जाएगा, और प्लस साथ में क्या आ जाएगा, ये अपलोड का फोल्डर जो है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये अपलोड का फोल्डर भी बना हुआ आ जाएगा, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है कि इसको अपलोड के फोल्डर में ये जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था कि ये होगा और ये नाम होगा इसका, तो देखते हैं कि एग्जैक्टली उसी नाम से ये सेव होता है कि या नहीं होता है।
यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कोई बात लिखता हूँ, यहाँ पे भी कोई बात लिखता हूँ, चूज़ फाइल करता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई सी भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो ज़रा कम साइज़ की हो, ठीक है, ये वाली 8KB की ये फ़ोटो है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा अगेन यहाँ पे एरर आ गया, क्या एरर आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्ट्री। कौन सी नो सच फाइल भाई, एक मिनट, इसको मैं दोबारा कंट्रोल एस कर देता हूँ। अच्छा अच्छा वो होता क्या है कि जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ ये फोल्डर खुद से बना देता है, तो आई थिंक वो फोल्डर खुद से बना हुआ होना ज़रूरी होता है आई थिंक। दोबारा पोस्ट करके मार देख लेते हैं। हाँ अब पोस्ट किया तो सही हो गया, अब पोस्ट किया तो सही हो गया। अच्छा तो वो एक्चुअली मैंने हाथ से जो डिलीट कर दिया था ना तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो गया, तो जैसे ही मैंने दोबारा से सर्वर को कंट्रोल एस किया तो वो जैसे ही सर्वर चला तो कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि उसको मिलती है, तो कॉन्फ़िगरेशन मिलते ही वो फोल्डर खुद ही बना लेता है उसी वक्त। तो ये मेरे पास ये फ़ोटो यहाँ पर क्या हो गई, पहुँच गई। अच्छा और जो मेरी पोस्ट इस वक्त क्रिएट हुई है डेटाबेस में, जो मेरी पोस्ट इस वक्त डेटाबेस में क्रिएट हुई है, ठीक है, जो कि मैंने क्या ये DSSF के नाम से जो डाला था, इसको अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आगे देखता हूँ इधर, तो इसके अंदर कोई इमेज मौजूद इस वक्त नहीं है, क्योंकि मेरी जो इमेज है अभी वो इस फॉर्म से उठी है और मेरे सर्वर के फोल्डर तक पहुँची है अभी। अब वहाँ से मुझे इस इमेज को उठा के कहाँ लेके जाना है, MongoDB में नहीं लेके जाना, पहले तो फायरबेस के बकेट में उस इमेज को सेव कराना है इटसेल्फ। अच्छा जैसे ही वो बकेट में सेव हो जाएगी तो मुझे उसके अगेंस्ट एक URL मिलेगा जो कि पब्लिक URL होगा, और उस URL को मुझे MongoDB में रखवा के सेव करवाना है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो गया कि मेरा जो फ्लो था, ठीक है, मेरा जो फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे मुझे इफ बॉडी टेक्स्ट टाइटल सब मिलता है, इस जगह पे मुझे यहाँ पे मेरा एक टू डू है कि सेव फाइल इन स्टोरेज बकेट एंड गेट पब्लिक URL, सही है, और वो पब्लिक URL मैंने किधर पेस्ट करना है, वो मैंने यहाँ पे ऐड करना है, कि ये टेक्स्ट के बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया कि IMG और IMG के बाद मैंने जो भी मेरा होगा, ठीक है, पब्लिक URL, जो भी पब्लिक URL मैं यहाँ से गेट करता हूँ ना वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, सही है। अभी क्योंकि ये मौजूद नहीं है तो उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये काम मैंने करना है कि यहाँ पे मुझे वो URL क्या हो रहा हो, अवेलेबल हो रहा हो इस तरह से। अच्छा तो अब इसको स्टोरेज बकेट में स्टोर करने के लिए मैं आ जाता हूँ वापस अपनी उस रिपोजिटरी में कि क्या हमने काम किया हुआ है, हमने काम किया हुआ है ये बकेट डॉट अपलोड। अच्छा लेकिन ये बकेट डॉट अपलोड से पहले इसको मुझे क्या करना है, ऊपर इस बकेट को इनिशियलाइज करवाना है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा फायरबेस एडमिन, सही है, ये फायरबेस एडमिन मुझे सबसे पहले चाहिए। तो फायरबेस एडमिन के बाद मुझे ये पूरा का पूरा ये इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट है ना ये पूरा यहाँ पे मुझे इस तरह से चाहिए होगा। तो मल्टर के फौरन बाद मुझे क्या करना होगा, ये इस चीज़ को कर, अच्छा ये वार वार जहाँ लगा हुआ ना इसको मैं हटा के ज़रा लेट कर देता हूँ, ठीक है, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन क्योंकि हम ES6 पढ़ रहे हैं ना सारा का सारा, तो ये वार हमें कहीं पे भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट करके इसको मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ, सही है, एडमिन फ्रॉम, अच्छा ये इम्पोर्ट क्या होता है हमेशा ES6 में, हमेशा वो कहता है टॉप पे लगाओ, दरमियान वरमियान में ना ज़रा ये इसको मज़ा नहीं आता सर, तो मैंने इसको सबको क्या कर दिया, टॉप पे कर दिया। अच्छा उसके बाद ये सर्विस अकाउंट जो मेरे पास यहाँ पे है, जाहिर है इसको मैं इस तरह जेसन में नहीं लिखूंगा, इस तरह जेसन में इसको मैं क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो फिर गिटहब में पुश हो जाता है वो साथ साथ कोड, तो मुझे गिटहब में पुश नहीं करना, मैं ENV की फ़ाइल से उसको उठा लूँगा। तो ENV की फ़ाइल में जो ये सारा आइटम पड़ा हुआ है ना वो मैं सब यहाँ पे ला के क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सही है। और मुझे इसको किस तरह करना होगा, मुझे इसको इस तरह करना होगा, ठीक है, मैंने कहा था कि फायर बेस अंडर स्कोर, अच्छा नहीं वो पहले मैं वो तो लगाऊंगा ना, प्रोसेस डॉट ENV डॉट फायर बेस अंडर स्कोर और ये पूरा का पूरा, सही है। अब आई एम श्योर कि ये पूरा उसी तरह ही है, फायर बेस टाइप, फायर बेस प्रोजेक्ट ID, एक दफ़ा मैच भी कर लेते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कंट्रोल अल्टर पकड़ के ना ENV की फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो ये दोनों क्या होगा साइड बाय साइड खुल जाएगा,
तो मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, मैच कर लेता हूँ, फायरबेस डैश टाइप, फायरबेस अंडरस्कोर टाइप, फायरबेस अंडरस्कोर प्रोजेक्ट आईडी, सही है, फायरबेस प्राइवेट की आईडी, यार इसको इस तरह नहीं होगा, कंट्रोल एफ से सही होगा, सही है, कंट्रोल एफ में पकड़ में आ गया, डबल क्लिक कॉपी कंट्रोल एफ पेस्ट, ठीक है, डबल क्लिक कॉपी कंट्रोल एफ पेस्ट, डबल क्लिक कॉपी कंट्रोल एफ पेस्ट, ठीक है, जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि भाई वो सब उसी तरह ही है, सही है, कॉपी कंट्रोल एफ पेस्ट आ गया, सही है, कॉपी कंट्रोल एफ, कॉपी कंट्रोल एफ, सही है, और एक लास्ट चीज है फायरबेस यूनिवर्स डोमेन। अच्छा ये मैंने यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं किया लेकिन ये मुझे मिला है, आई थिंक ये कोई नई चीज़ इन्होंने ऐड की है सर्विस अकाउंट में जो जिसकी शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा इसमें से भी मुझे तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली ना, इसमें से भी मुझे तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, इसमें से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि टाइप की मुझे ज़रूरत नहीं होती, प्रोजेक्ट आई डी, प्राइवेट की और प्राइवेट की और ये ईमेल, आई थिंक ये चार चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है, ठीक है, ऑथ यू आर आई वगैरह इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ऑथ यू आर आई और टोकन यू आर आई इन चीज़ों की, ये नीचे चार चीज़ें इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज इट इज़ मैंने अभी सर्विस अकाउंट पूरा दिया है इसको ताकि कोई मस्ती ना करेगी। अब आप इसमें से एक एक करके हटाएंगे ना तो वो सही काम करेगा, चेक कर लीजिएगा कौन कौन से इसको रिक्वायर्ड है। अच्छा उसके बाद ये एडमिन डॉट इनिशियलाइज ऐप करके ना, और इसको एक क्रेडेंशियल दिया है, एक डेटाबेस का यूआरएल दिया है। अच्छा डेटाबेस का यूआरएल जो है ना मेरे पास इस वक्त क्या है, वो कुछ इस तरह से है, तो ये मैं यूआरएल जाहिर है इसको तो मैं चेंज करूँगा, मेरे पास जो डैशबोर्ड पर मैं जाके देखता हूँ क्या यूआरएल है मेरा, मैं जाता हूँ स्टोरेज में, और स्टोरेज में जाने के बाद मैं देखता हूँ कि यार इसमें ये यूआरएल है इसका, ठीक है, smitb9.appspot.com ये इसका यूआरएल है, ओके, तो बस ये पूरा यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, सही है, मैंने इसको यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब देखते हैं ये बिल्कुल सही काम करता है कि नहीं करता, ये क्या सीन है यार। अच्छा नहीं ये डेटाबेस यूआरएल है, ये डेटाबेस यूआरएल, अच्छा डेटाबेस तो हम यूज़ कर ही नहीं रहे फायरबेस का, तो उसको हटा देते हैं, डेटाबेस तो हम फायरबेस का यूज़ कर ही नहीं रहे। अच्छा चलो बल्कि रख लेते हैं इसको, हम कमेंट कर देते हैं एक्चुअली, ठीक है कमेंट कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे मुझे चाहिए बकेट का यूआरएल, सही है ये आ गया smitb9, यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ये इस तरह होगा smitb9 होगा, और लेकिन क्योंकि हम डेटाबेस को यूज़ नहीं कर रहे तो उसको मैंने इसलिए कमेंट किया। अच्छा चलो ये हो गया जी बकेट अब हमारा, अब ऊपर मैंने इम्पोर्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं की है, इसमें ये दो चीज़ें ना इनिशियलाइज ऐप और स्टोरेज, तो मैं इन दोनों को अलग अलग भी उठा सकता हूँ, मैंने कहा भाई इनिशियलाइज ऐप बकेट इस तरह भी मैं उठा सकता हूँ इसको, ठीक है, इसका भी शायद इसके पास वो नहीं है, इसकी टाइप्स नहीं है इसके पास, इम्पोर्ट डेक्लेरेशन अनयूज्ड वेल, तो यहाँ पे आके मुझे अब एडमिन डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है यहाँ पे मुझे एडमिन डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट डायरेक्ट मुझे मिलेगा। अच्छा अब देख लेते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है, एरर तो है, बकेट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, व्हाट इज दैट, कह रहा है बकेट के नाम से तो कोई चीज़ पहले से मौजूद है, ओके ये मैंने कॉन्स्ट करके बकेट बनाया ना, और ऊपर भी, अच्छा ऊपर मुझे स्टोरेज चाहिए था एक्चुअली, बकेट नहीं चाहिए था, ये मैंने गलत ऊपर लिख दिया, ठीक है स्टोरेज चाहिए था, अपसेट हो गया ये, अपसेट हो गया, इसमें कोई किसी चीज़ की टाइप वाइप नहीं पता लग रही, ठीक है अब, अच्छा मॉड्यूल नॉट फाउंड ना, इंस्टॉल नहीं किया हमने, npm firebase dash admin और sudo भी लगेगा इसके साथ, सही है जी firebase dash admin ये इंस्टॉल हो गया मेरे पास,
आज की ज़िंदगी में हो जाएगा ये। अच्छा मैं इसको फायरबेस के बकेट में डाल रहा हूँ, लेकिन यू आर फ्री के इफ़ यू यू वांटेड टू अपलोड इट इन एनी अदर बकेट तो कोई ऐसा इशू नहीं है। चलो ये इंस्टॉल हो गया, दोबारा से npm run def कर देता हूँ। अब क्या मसला है उसको, अच्छा वो पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये जो आपने लाइब्रेरी लगाई है ना, ये ES6 वाली लाइब्रेरी नहीं है, तो इसको आप पता है क्या करोगे, इसको आप ऐसे एडमिन करके ही करोगे आप, और जहाँ जहाँ ये एडमिन डॉट ही लगेगा इस तरह नहीं होगा, ये नया वाला माल इसके अंदर रेडी नहीं है, एडमिन डॉट करके ही होगा ये। सही है, तो वापस आ जाते हैं अपनी औकात पे, इनको एडमिन डॉट करके ले आते हैं। सही है, इसने कहा कि वो ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट करके ना, वो देखो दो अभी जावास्क्रिप्ट जो सबसे नई वाली है ना उसको ये कहते हैं मॉड्यूल JS, इससे पहले जो थी ना उसको कहते थे कॉमन JS, तो कॉमन JS में वो रिक्वायर वगैरह वो सारा कॉमन JS में होता था, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने लाइब्रेरी को अभी तक अपडेट नहीं किया, ये स्टिल कॉमन JS के ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए इसको मैं वो ब्रैकेट लगा के इम्पोर्ट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, इसको इस वाले तरीकों के कहते हैं डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट। उसने कहा डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट ही होगा भाई, डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट करो डॉट डॉट लगा के फिर जो करना है करते रहो, तो मैंने फिर लिहाजा ये क्या किया डॉट करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगा दी। सही है, अच्छा ये हो गया, अब उसके बाद मुझे बकेट का ये ना ऐसे हैंडल मिल जाता है। अच्छा अब अगेन देखो ये जो इतना पार्ट है ना, दिस इज़ जस्ट अ बॉयलर प्लेट कोड ना। अच्छा यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स का ये भी दिया हुआ है मैंने लिंक, तो यहाँ पे से जाके देख भी सकते हो कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। अच्छा अब आ जाते हैं हम नीचे, और यहाँ पे ना जे यहाँ पे मेरे जो पोस्ट हिट होता है, यहाँ पर मुझे एक तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी टाइटल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी टेक्स्ट मिल गया। अब मैं फाइल किस नाम से भेजता हूँ फ्रंट एंड से, याद है किसी को फाइल किस नाम से भेजता हूँ मैं फ्रंट एंड से, जिस नाम से भी भेजता हूँ मैं, तो वो मुझे ना रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर एज इट इज़ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्सोल में क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को जब मैं ऐसे प्रिंट करवाऊँगा ना, तो मुझे क्या हो जाएगा वो एग्जैक्टली वो चीज़ मिल जाएगी जो फ्रंट एंड से मेरे पास जो फाइल आई है, फाइल आकर फोल्डर में सेव हो गई है, उसकी तमाम की तमाम डिटेल। अच्छा उसकी डिटेल में मुझे क्या चाहिए, मुझे नंबर एक उस फाइल का नाम, नंबर दो उस फाइल का पाथ अभी क्या है, फोल्डर में सेव होने के बाद जो उसका पाथ बना है वो क्या है, यानी डॉट स्लैश करके मैं क्या लिखूंगा तो वो फाइल मिलेगी, ये पाथ मुझे चाहिए, उस फाइल की जो माइन टाइप है, उस फाइल का जो साइज़ है KBs में या जो भी MB में जो भी वो देता है, ठीक है, इसी तरीके से कुछ और मजीद डिटेल्स, उसकी डेट क्या है, डेट मॉडिफाइड, डेट क्रिएटेड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है जस्ट फॉर वैलिडेशन। अच्छा तो मैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को यहाँ पे अगर कॉन्सोल करवाता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। अच्छा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कॉन्सोल तो नहीं लगा हुआ, उसको मैं चाहूँगा कि मैं उसको रिमूव कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कॉन्सोल नहीं है, डिकोडेड में, अच्छा डिकोडेड की भी मुझे ज़रूरत नहीं है SHM, ठीक है, उसको भी हटा देता हूँ, तो जस्ट मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कॉन्सोल करवाता हूँ एंड देन मैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को कॉन्सोल करवाता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे फाइल्स की क्या क्या डिटेल मिल रही। अच्छा ये मैंने खोला मेरा कॉन्सोल, और जाके मैं यहाँ से अब क्या करता हूँ, दोबारा से इसको हिट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा और फाइल को सेलेक्ट किया, और मैंने क्या किया छोटे साइज़ की एक फ़ाइल पकड़ के पब्लिश का बटन दबाया, ठीक है, और यहाँ पे आके जब मैं देखता हूँ तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स प्रिंट हुआ ही नहीं है सिरे से, ये अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि जब वो फाइल पोस्ट हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली फीड दोबारा गेट होता है, तो इस वजह से वो आ रहा है, तो एक्चुअली मेरा जो रिस्पॉन्स है वो इधर है, ये है मेरा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में मुझे एक एरे मिलता है जिस एरे के हर इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट है, एरे के हर इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट है, इसमें फाइल का नाम, ओरिजिनल नाम यानी एक्सटेंशन समेत, ठीक है, इनकोडिंग क्या है इसकी, माइम टाइप इसका क्या है, माइम टाइप मैंने कहा भाई इमेज होनी चाहिए, इमेज स्लैश स्टैटिक के अलावा कोई नहीं होनी चाहिए, डेस्टिनेशन इसकी क्या है स्लैश अपलोड, और फाइल का नाम अभी क्या है, ये तो था ओरिजिनल नाम ऊपर, अभी इस फाइल का नाम क्या है, और इस फाइल का अभी पाथ क्या है, अपलोड्स स्लैश और वो पूरा आगे बात लिखी हुई है, तो मुझे अभी जो फाइल का पाथ है ना ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा लास्ट में मुझे साइज़ भी बता रहा है,
ठीक है, तो 8000 ये कुछ साइज़ बता रहा है, तो ये 8000 क्या है ज़रा मैं यहाँ पे आके मेक श्योर कर लेता हूँ, ये असल में 8KB की फ़ाइल है, तो 8000 बाइट्स एक्चुअली वो बता रहा है, तो ये फ़ाइल का जो साइज़ है ये मुझे बाइट्स में बता रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि यार इफ़ अगर फाइल का जो साइज़ है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फाइल्स का इंडेक्स 0 डॉट साइज़ अगर हो जाए, अगर ये साइज़ बड़ा हो जाए किससे 8000 तो हो गया 8KB, ठीक है, ये साइज़ इन बता रहा है साइज़ इन बाइट्स। अच्छा तो मैं चाहता हूँ कि मैं 5MB की लिमिट लगा दूँ, तो 5MB में कितने बाइट्स बनेंगे यहाँ पे लिख देते हैं 5MB टू बाइट्स, ये क्या हो गया 1MB टू बाइट्स वाले लिखते हैं। अच्छा तो ये इतना होता है, सही है, इसी को 5 कर देते हैं, तो ये कितना हो गया एक्चुअली 50 लाख हो गया, 50 लाख में होता है, सही है, तो 50 लाख बाइट तक की मैंने लिमिट लगा दी, यानी 5MB से ज़्यादा की फ़ाइल में अपलोड नहीं कर सकता, मेरे पास कोई फ़ाइल ऐसी है जो 5MB से ज़्यादा की, चलो 5MB नहीं, इसको हम लगाते हैं अभी फ़िलहाल 2MB, क्योंकि मेरे पास 4MB तक की एक फ़ाइल तो मौजूद है इमेज की, मुझे पता है, तो 2MB की मैंने लगा दिया, ठीक है, लिमिट ऑफ 2MB, सही है, ये लिमिट जो है वो 2MB की है, और ये साइज़ जो है बाइट्स में ही मैंने मेंशन कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ कि यार रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और क्या मैं भेजता था, क्या तरीका था मेरा रिस्पॉन्स भेजने का, वो एक्चुअली हाँ ऐसे मैसेज करके भेजता था मैं, ठीक है, मैं कहता हूँ मैसेज यार फाइल साइज सही है, फाइल साइज लिमिट एक्सीड मैक्स लिमिट 2MB, और साथ में मैं यहाँ पे स्टेटस क्या भेजूँगा 401 तो अनऑथेंटिकेटेड होता है, फॉरबिडन होता है 403, सही है, बिल्कुल सही बताया, तो 403 यहाँ से भेज के मैंने, और साथ में इसको रिटर्न भी कॉल करा दूँगा ताकि यहीं पे ख़त्म हो जाए और आगे ना बढ़े, तो मैंने ये एक लिमिट लगा दी। अच्छा लिहाजा अब क्या होना चाहिए, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कट करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर आके मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, कुछ यहाँ पे बात लिखता हूँ, और एक फ़ाइल चूज़ करता हूँ जिसमें मैं एक 4.6MB की एक फ़ाइल को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, पब्लिश का बटन दबाता हूँ, तो ये क्या हो जाती है, रिक्वेस्ट मेरी फेल हो जाती है, ठीक है, और ये साथ में इसके जवाब क्या आता है, अरे ये क्या हुआ, ये तो पूरी फेल हो गई, ये कुछ और एरर आ गया, ये क्या एरर आ गया भाई, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फाइल्स का इंडेक्स 0, सही तो लिखा है मैंने यार, रिक्वेस्ट डॉट, अच्छा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फाइल नहीं है ये, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स है, लिखा कुछ और है और यहाँ पे मैं कर रहा कुछ और हूँ ना, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स एक्चुअली है, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फाइल नहीं है ये, सही है, अगेन अब 403 इसने सही दिया, सही है, फाइल साइज लिमिट एक्सीड, लेकिन इसी की जगह अगर मैं चूज़ फाइल का बटन दबा के कोई छोटी फाइल देता हूँ इसको, जैसे कि ये फाइल या ये फाइल जो कि उस लिमिट के 2MB की लिमिट के अंदर है, या तो ये वाली फ़ाइल जो 153KB की है, ये वाली जो 140KB की है, और उसको मैं ओपन करता हूँ, और अब मैं इसको अगर पोस्ट करता हूँ तो ये सही पोस्ट हो जाती है, लेकिन स्टिल ये फाइल अभी भी स्टोरेज बकेट में नहीं जा रही है, ये फाइल सारी कहाँ जा रही है, ये फाइल सारी इधर ये एक फोल्डर बनता जा रहा है, इस फोल्डर के अंदर ये सारी की सारी फाइलें स्टोर हो रही है, ठीक है, ऐसे ही स्टोर हो रही है बिला वजह। अच्छा तो मैंने ये क्या कर दिया, एक लिमिट लगा दी, अच्छा ये लिमिट मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ, और ये लिमिट मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ना, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी वो आ रहा होता है एक लिमिट का, वेल यहाँ पे शायद ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पे मुझे कंट्रोल शायद ज़्यादा मिल जाता है थोड़ा। अब अगला काम ये है मेरा कि यार चलो ये तो अगर ये चेक पास हो जाता है इसका मतलब है फाइल बिल्कुल सही है, इसको मैंने क्या करना है, अब अपलोड करना है, तो अपलोड के लिए यहाँ पे मैंने जो काम किया हुआ है नीचे है ना, बकेट डॉट अपलोड, और बकेट डॉट अपलोड को पूरा लास्ट तक मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, और कॉपी करके मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, और इस कोड को जस्ट हम समझ लेते हैं, बहुत आसान सा कोड है ये, ठीक है, फायर बेस का ये कोड है, फायर बेस के डॉक्यूमेंटेशन में ये मौजूद है,
मैंने कहा कि यार रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट पाथ, ठीक है, ये कौन सा पाथ है जो फाइल का अभी पाथ है मेरे पास, ठीक है। बकेट डॉट अपलोड को मुझे क्या देना होता है, मुझे अभी फाइल किस जगह पे पड़ी हुई वो देना होता है, तो वो मैंने इसको पकड़ा दिया, ये खुद ही उस फोल्डर से जाके उस फाइल को उठाएगा और अपलोड करेगा, ठीक है। प्लस अगर मुझे इसके नाम को कस्टमाइज करना है, अगर मुझे क्या करना है, इसके नाम को कस्टमाइज करना है अगर, तो मैं ऐसे डेस्टिनेशन करके भी दे सकता हूँ, जैसे डेट को मैं इन्वॉल्व करना चाहूँ अगर, लेकिन डेट को मैं इन्वॉल्व अभी नहीं करना चाह रहा क्योंकि नाम में मैंने ऑलरेडी डेट को इन्वॉल्व कर दिया है उसी टाइम अपलोड करते हुए, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, ठीक है। और नहीं सॉरी, डेस्टिनेशन मुझे चाहिए होगा यहाँ पे, एक्चुअली डेस्टिनेशन बताता हूँ क्यों चाहिए होगा, पहले इसको एज इट इज चलाते हैं फिर देखते हैं डेस्टिनेशन हमें अभी स्टिल इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी वो देख लेते हैं। अच्छा वेल, तो उसके बाद क्या होता है कि बकेट डॉट अपलोड को मैंने फाइल का पाथ बता दिया और साथ में कॉल बैक फंक्शन दे दिया। अब कॉल बैक फंक्शन जो है वो ज़रा पुराना आइटम हो गया, लेकिन ये कॉल बैक फंक्शन के अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, प्रॉमिस नहीं देता ये, अगर तो ये प्रॉमिस देता होता तो हम इसको अवेट लगा लेते, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं देता है, यहाँ पे मुझे डॉट लगा के पता लग रहा है कि ये प्रॉमिस मुझे दे ही नहीं रहा। तो वेल, कॉल बैक फंक्शन खुद ही चलता है, क्या होगा जब अपलोड कंप्लीट हो जाता है तो ये फंक्शन चल जाता है, दैट्स इट, इतना ईजी है। इसमें मुझे या तो एरर मिलता है या तो फाइल मिलती है, तो मैंने कहा भाई नॉट एरर, अगर तो एरर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि फाइल सही अपलोड हो गई है, एल्स मैंने यहाँ पे बोला भाई 500 में ज़ाहिर है एक मैसेज दे देता हूँ, मैं एक मैसेज कोई जेनेरिक सा एक मैसेज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, सर्वर एरर, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों अपलोड नहीं हुई, फेल हो गई भाई। अच्छा, इसको अब ओपन करता हूँ, अगर फाइल अपलोड सही तरह से हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, इसका पब्लिक URL गेट करने की कोशिश करता हूँ, जो चीज़ जिसकी एक्सपायरी 100 साल की अगली, क्योंकि जब भी मैं पब्लिक URL गेट करता हूँ उसकी मुझे एक्सपायरी सेट करनी होती है। एक्शन उसका रीड होगा, यानी जो URL मैं गेट कर रहा हूँ उसका सिर्फ रीड पार्ट जो है ना वो होगा, और ये इसका URL लगा हुआ है उस डॉक्यूमेंट का जहाँ से मैंने ये उठाया है, ठीक है, गेट साइंड URL, ये URL है उस डॉक्यूमेंट का जहाँ पे ये बात मेंशन हुई है कि ये काम क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। अच्छा, तो जब मैं इसको गेट साइंड URL करता हूँ ना इसी फाइल पे डॉट लगा के, तो मुझे साइन URL मिल जाता है और URL डेटा करके मुझे ऐसे उसको मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ये प्रिंट हो गया और मैंने ओके कर दिया, तो लिहाजा इस पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया, उस फाइल का पब्लिक URL मुझे मिल गया। तो वो पब्लिक URL अब मैंने क्या करना है, उस पब्लिक URL को MongoDB में मैंने सेव करा देना है। तो लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि जो मेरा MongoDB में राइट वाला पार्ट है वो इधर लेकर आ जाऊँगा मैं, ठीक है, मैं ये पूरा राइट वाला जो मज़ीद बकाया जो पार्ट है ना इसको कट करूँगा यहाँ से, और जैसे ही मुझे ये URL मिलता है उसके फ़ौरन बाद में ये काम करवाऊँगा अपलोड का, ठीक है। अच्छा, इस पर मैं अवेट इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये एसिंक नहीं है, एसिंक बना देते हैं इसको, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एसिंक बना दिया इसको मैंने। अब जब मैं यहाँ पे इंसर्ट रिस्पॉन्स करता हूँ तो अब मुझे इमेज यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, उसको मैं अनकॉमेंट करता हूँ और इमेज की जगह पर ये URL ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ये URL दिख भी जाए स्क्रीन पे भी, प्रिंट हुआ हुआ कॉन्सोल में, और यहाँ पे ये डेटाबेस में भी चला जाए मेरे पास। अच्छा, ठीक हो गया, इतना गुड इनफ है ये। अच्छा, नीचे का कुछ कोड कमेंट है उसको हम बाद में देखते हैं क्या है। तो इस वक्त हमने क्या कर लिया, इस वक्त हमने एक फाइल को फ्रंट एंड से उठा के सर्वर पे पहुंचा दिया, सर्वर पे जब वो फोल्डर में पहुंचा है उसके नाम के साथ हमने डेट शेड इन्वॉल्व की ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, उसके बाद उस फोल्डर से उसको उठा के कहाँ भिजवाया, किसी एक स्टोरेज बकेट में भिजवाया, और वहाँ से उस फाइल के अगेंस्ट एक पब्लिक URL मैंने गेट किया, और वो पब्लिक URL मैंने कहाँ रखवा दिया, पोस्ट को स्टोर करवाते हुए MongoDB में वो पब्लिक URL भी साथ रखवा दिया। तो अब लिहाजा क्या होगा कि जब मैं तमाम की तमाम पोस्ट को गेट करूँगा तो हर पोस्ट के साथ मुझे एक URL इमेज का भी साथ में मिल रहा होगा, और उस URL के थ्रू मैं उसको क्या करूँगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दूंगा। तो चलो आओ एक पोस्ट दोबारा यहाँ से करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने कुछ पोस्ट का टाइटल लिखा, बल्कि चलो कुछ अच्छा सा लिख देते हैं, ABC टाइटल, ठीक है, और कुछ यहाँ पे मैंने बॉडी लिखी, और चूज़ इमेज करके मैंने क्या किया, ठीक है, कोई कम साइज़ की इमेज, ठीक है, ये इमेज चलो मैंने उठा ली, 8KB की इमेज है ये, और मैंने इसको क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अबे पोस्ट में एरर आ गया, क्या चक्कर है, डिकोडेड रूटीन OSSL अनसपोर्टेड, साइन URL जब मैं गेट करता हूँ ना तो उस पॉइंट पे ये मेरे पास क्या आ जाता है, एरर आ जाता है।
साइन फाइल साइन यूआरएल जब मैं गेट करता हूँ तो उस वक्त मेरे पास ये आ जाता है। अच्छा पहले तो मैं लेकिन ये देख लेता हूँ कि क्या वो फाइल फायरबेस स्टोरेज तक जाके पहुँच के सेव हो गई है कि नहीं हो गई, ये देखने के लिए मैं ज़रा यहाँ चला जाता हूँ ताकि, क्योंकि मेरा ये शक है कि वो किस पॉइंट पे आ रहा है एरर, साइन यूआरएल गेट करने पे एरर आ रहा है। अच्छा लेकिन यहाँ पे वो फाइल पहुँची नहीं है तो इसका मतलब है कि फ़ाइल सेव करने से पहले ही कुछ एरर आ गया। अच्छा ज़रा एक दफ़ा अपने कोड को हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक। इसको जो मैंने पाथ दिया है अपलोड बकेट डॉट अपलोड को, क्या ये पाथ सही है, ये भी हम ज़रा मेक श्योर कर लेते हैं। पाथ तो बिल्कुल सही है, सही है, ये चेक भी पास हो रहा है। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स का इंडेक्स 0 डॉट पाथ, सही पाथ है बिल्कुल। और क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकती है? अच्छा नॉट एरर, इसमें क्या रिस्पांस गया मेरे पास? 500 गया ना। अच्छा तो 500 गया है तो इसका मतलब है कि ये नॉट एरर नहीं चला है, ये पार्ट चला है। अच्छा इसमें मैंने एरर को कंसोल भी करवाया है। अच्छा ये जो एरर कंसोल हुआ है इसके अंदर कुछ खातिर ख्वाह बात नहीं लिखी हुई, नीचे जस्ट एक एरर का कोड लिखा हुआ है। इस एरर की कोड को हम गूगल करने की कोशिश करते हैं अभी, पहले सीधा सीधा तो करें गूगल। For anyone struggling to have created a service account, Google private key. अच्छा अच्छा वो कह रहे हैं कि जब ये private key को आप store करवाते हो ना env में environment variable में, तो वो उसमें ना कुछ backslash n है, तो वो जब string को सही शायद पता नहीं treat नहीं करता वो। चलो एक काम करते हैं, उसको replace कर देते हैं ना जो ये कह रहे हैं, तो करके देख लेते हैं। अगर ये सेट हो गया तो फिर इसका कोई पक्का हल निकाल लेंगे। ये कह रहा है कि जहाँ से आप ये की उठाते हो ना वहाँ पे मसला है। पहली दफ़ा हुआ है वैसे तो ये। अच्छा किस पे बोला था इसने? की पे बोला था, प्राइवेट की। प्राइवेट की पता है, प्राइवेट की का चक्कर ये कि बहुत लंबा स्ट्रिंग होता है ये। प्राइवेट की का जो लेंथ है ना वो 1024 कैरेक्टर्स होता है, ये है प्राइवेट की। तो इसने कहा कि इसके आगे ये डॉट लगा के ना ये कर दो, रिप्लेस मार दो। इसने क्या बोला कि जहाँ जहाँ भी बैक स्लैश एन आता है तो वो उसमें डबल स्लैश की जगह ना सिंगल स्लैश कर दो उसको, इसने ये बोला एक्चुअली। ठीक है, और हम इसको मे बी जाके देख भी सकते हैं लेकिन चलो अभी देखना रेलिवेंट नहीं है, टाइम हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट है बड़ा। तो किसी ने बोला है कि भाई ये दो डबल बैक स्लैश आ जाता है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम है। ट्राई इट अगेन। Again error, same error. env की फाइल भी ज़रा एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ कि आया कि वो env की फाइल में वो वाकई डबल डबल है या वैसे ही इसने किया हुआ है। Are you sure? अच्छा डबल स्लैश तो नहीं है इसके अंदर, जो वो किसी ने सजेस्ट किया ना कि डबल हो रहा है स्लैश, तो स्लैश डबल तो नहीं है, है तो सिंगल ही। जहाँ जहाँ बैक स्लैश एन है इसमें वहाँ वहाँ सिंगल ही स्लैश है, डबल तो कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं इसको पूरे को कॉपी करके थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हाथ से ही लगा दूँ, अगर हाँ सिर्फ प्राइवेट की को अगर मैं हाथ से फ़िलहाल के लिए यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, नहीं सही है, सही
अच्छा अब इसने कुछ दूसरा एरर दिया है, जब एरर चेंज होता है इसका मतलब है कि कुछ बार हाँ अच्छा ये लेट ये वाला कह रहे हो, इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन यार फिलहाल मुझे लग रहा है यहीं पे प्रॉब्लम कुछ यहीं पे है। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो सर्विस अकाउंट मैंने डाउनलोड किया था ना उस अकाउंट को पूरे को उठा के यहाँ लगाते हैं चुप करके अभी, सही है। वंस वो चलने लग जाएगा तो फिर उसका कुछ देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने क्या कर दिया इसको एज इट इज़ पूरे अकाउंट को यहाँ पर मैंने पेस्ट किया लगे, ठीक है, ताकि वो स्पेलिंग मिस्टेक और ये इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके, ठीक है। अब इसको ज़रा एक दफ़ा ट्राई करते हैं और अगर अभी अगेन मुझे ग्रांट का इशू देगा हो गया क्या मिला मुझे, पब्लिक डाउनलोडेबल यूआरएल तो मुझे मिल गया। इसका मतलब है इसी में मसला था, कोई स्पेलिंग को मिस्टेक हुई थी, हमने इतनी लंबी स्टोरी की थी ना जो उसकी वजह से। अच्छा तो भाई मेरे फाइल क्या हो गई है, अपलोड हो गई फाइनली। लेकिन अपलोड होने के बाद क्या हुआ, इंसर्ट रिस्पॉन्स ट्रू और ये दैट्स ट्रू ओके। वो कह रहा है कि वो आपका हुआ ये है कि रिस्पॉन्स पहले ही भेज दिया आपने, क्या ऐसा किया मैंने। अच्छा ये बकेट डॉट अपलोड, और बकेट डॉट अपलोड में मैंने क्या किया, हाँ बकेट डॉट अपलोड में मैंने भंड तो मारा हुआ है। देखो नीचे ना रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैंने कॉल किया हुआ है और यहाँ पे मैं करता हूँ ट्राई करके, तो ये नीचे वाला रिस्पॉन्स पहले चल जाता है, इसको हटा देता हूँ, नीचे वाला रिस्पॉन्स पहले चल जाता है तो अब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अब अगेन। अच्छा अब जो ये आया होगा ना लेटेस्ट वाली पोस्ट, अगर इसको मैं देखूँ तो इसमें मुझे इमेज का यूआरएल मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है, नहीं है। चलो एक पोस्ट तो और मारते हैं ना, पहले एक पोस्ट और मारते हैं। वो असल में हुआ ही है कि वो चला ही नहीं है उतना पार्ट ना, उतना पार्ट चला ही नहीं है, चलने से पहले ही वो पागल हो गया था। पब्लिश 200 ज़बरदस्त हो गया। रिफ्रेश किया मैंने इसको अगेन, अब जो मेरे पास ये फीड आई है यार अभी भी नहीं आया। ओ यस, फीड के अंदर एग्रीगेशन में वो मैंने मंगवाया नहीं है, आ तो वो रहा है लेकिन वो मैंने मंगवाया नहीं है। तो ये मैंने इसको IMG को क्या किधर लगाना है जाके, उसको मैंने वहाँ पे एग्रीगेशन में बताना है कि भाई अब ये भी लाओ साथ। मैंने कहा भाई टाइटल के साथ ये IMG भी होगा, आओ रिफ्रेश करते हैं इसको अगेन। आ गया इमेज मेरे पास, सही है इमेज आना शुरू हो गई मेरे पास। अब ये इमेज मेरे पास जाना तो शुरू हो गई है, लेकिन होता क्या है मेरे पास कि जितनी इमेजेस अपलोड होती है ना वो सारी इधर पाइलअप होना शुरू हो गई अपलोड के फोल्डर में। अच्छा मैं अपने इमेज को इस अपलोड के फोल्डर में छोड़ता क्यों नहीं हूँ, मैं यहाँ से फ़ौरन इसको बकेट पे क्यों भेजता हूँ, उसका रीज़न ये है। देखो मैं यहाँ पे भी तो रख सकता था ना, और मैं लोकल पाथ रखवा देता MongoDB में। हाँ उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो सर्वर चल रहा है वो नेटिव एनवायरनमेंट में चल रहा है, ठीक है। हमारा खुद का ये कंप्यूटर नहीं है जिसमें सर्वर चल रहा है। देखो सर किसी भी सर्वर को ना Node.js के सर्वर को या कोई भी सर्वर होता है उसको रन करने के लिए ना दो तीन अप्रोच होती है। एक तो होती है अप्रोच ये कि आप EC2 का इंस्टेंस बना लो, यानी एक मशीन किराए पे ले लो आप, और उस मशीन का हार्ड डिस्क भी आपका, रैम भी आपका, प्रोसेसर भी आपका, जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल करो। शट डाउन करोगे जब वापस ऑन करोगे तो जो सेव है वही होगा, हार्ड ड्राइव से कहीं कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। उसको तो हम कहते हैं कि वो किराए की मशीन है, उसको टेनेंट किराए की मशीन हम लेते हैं। अच्छा उस पर चलाना बहुत ज़िंदगी का अजाब है। ये जो गूगल वाले देते हैं ये कहते हैं उसको कंप्यूट इंजन, अमेजोन वाले देते हैं उसको कहते हैं वो EC2 इंस्टेंस। हम उस पर नहीं चला रहे, हमने जहाँ हमने डिप्लॉयमेंट सीखी थी ना सर्वर की उस वक्त भी हमने डिटेल में इस बात को कवर किया था, उसमें अगर कोई नहीं था तो वो देख सकता है दोबारा। दूसरा तरीका होता है वो मैनेज्ड तरीका होता है, या उसको हम नेटिव भी कहते हैं, क्लाउड नेटिव जिसको हम कहते हैं, तो वो है ऐप इंजन। ऐप इंजन में क्या होता है, हम अपना पैकेज उठा के बेचते हैं, हम बोलते हैं यार ये रहा मेरा पैकेज, NPM install वो खुद चलाएगा, NPM start वो
खुद चलाएगा और मेरा सर्वर रन हो जाएगा, मुझे एक यूआरएल मिल जाएगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, वो पीछे बिहाइंड द सीन किस पे चलता है, वो कुबरनेटीज के एनवायरनमेंट में चलता है, या उसको हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी कहते हैं, तो वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में चल रहा होता है बिहाइंड द सीन मोस्टली, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो गूगल का है वो गूगल ऐप इंजन है, AWS का जो उसको कहते हैं इलास्टिक बीन स्टॉक, तो इस ऐप को हम इलास्टिक बीन स्टॉक पे करेंगे, ठीक है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी एक है, इसी तरह अलीबाबा का भी, इसी तरह हरिको भी है, इसी तरह रेलवे भी है, इसी तरह साइक्लिक भी है, ये सारे जो है वो क्या है, मैनेज्ड है, ये जिसको हम क्लाउड नेटिव भी कहते हैं, तो ये नेटिव है। अच्छा, नेटिव में क्या होता है कि हम अगर उसको यूज़ ना करें तो वो उसको डाउन कर देता है, तो लिहाजा अगर हमने इसको यहाँ पर छोड़ा तो जैसे ही सर्वर को डाउन करेगा ना, तो वो दोबारा जब अप होगा तो ये मुझे मिलेगा नहीं, या रूटीन मेंटेनेंस की वजह से कभी भी मेरा सर्वर रीस्टार्ट हुआ तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है, दिस इज़ अ वेरी वेरी टेम्प्रोरी स्टोरेज। अच्छा, अगेन इसको मैं ओवरफ्लो भी नहीं कर सकता अगर ये भर गया, क्योंकि जब भी मैं मैनेज्ड सिस्टम पे या मैनेज्ड डिप्लॉयमेंट करता हूँ मेरे, तो यानी ऐप इंजन हो या कोई भी हो, तो उसमें मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्क स्टोरेज भी मुझे मिलता है, जो कि आमतौर पर 1 GB होता है या शायद 5 GB होता है, वो डिस्क स्टोरेज होता है। तो ये वाला फोल्डर जो है ना, ये डिस्क स्टोरेज मेरी इंक्रीज़ कर रहा है, तो लिहाजा आइडियल ये होना चाहिए। अच्छा, अगर डिस्क स्टोरेज फुल हो गई तो क्या होगा, मजीद आने वाली फाइल उसके लिए जगह नहीं होगी, वो फेल हो जाएगी रिक्वेस्ट। तो मुझे लिहाजा क्या करना है कि जब ये इमेज अपलोड हो जाए स्टोरेज बकेट पे, फायरबेस स्टोरेज बकेट पे, तो मुझे यहाँ से इसको डिलीट करना है। अगर मैं डिलीट नहीं करूँगा तो मेरा सर्वर 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद क्या होगा, ये फोल्डर फुल हो जाएगा, नई आने वाली फोल्डर, नई आने वाली अपलोड फाइल वो कैंसिल करना शुरू कर देगा, क्योंकि सर्वर तो मैं इस हिसाब से बनाता हूँ ना कि एक एक साल दो दो साल तक वो रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए, सर्वर में इस हिसाब से बनाता हूँ। तो अगर ये मेरे पास कहीं भी एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अच्छा जी 6 महीने चलने के बाद ये अब इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए मसला है सर्वर के हिसाब से। तो मैं लिहाजा क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ये सक्सेसफुली अपलोड होती है फाइल, या अपलोड नहीं भी होती फेल हो जाता है, तो दोनों सूरतों में मुझे क्या करना है, इसको मैंने डिलीट करना है। तो ये राउटर डॉट पोस्ट आ गया ना, वापस मैं इधर आता हूँ, और यहाँ पर आप देखें मैंने छोटा सा कोड लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन लिखा है कि भाई डिलीट फाइल फ्रॉम द फोल्डर बिफोर सेंडिंग द रिस्पांस बैक, ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी बात लिखी है। तो ये ऐसे करके मैं इसको क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, FS का एक लाइब्रेरी है जो कि Node.js के अंदर बिल्ट इन होती है, इसको मुझे कहीं से रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको मुझे क्या करना होता है, जस्ट ऊपर मतलब वो कहीं से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट मुझे ऊपर मैंशन करना होता है कि ये FS का मॉड्यूल जो है ना आप ले आओ। तो मैं क्या करूँगा, FS को ऊपर जहाँ पे मैं तमाम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता हूँ वहीं पे मैं बोलूँगा कि यार इंपोर्ट fs फ्रॉम fs, ठीक है, तो बगैर इंस्टॉल किए ये लाइब्रेरी मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी, सही है। और मैं क्या करता हूँ, इस पूरे अपलोड के फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ ताकि वो पुरानी सारी फाइलें ख़त्म हो जाएँ। अच्छा, अब लिहाजा क्या होगा, कंट्रोल एस दबाते ही ये फोल्डर दोबारा बनाए, और इस फोल्डर में कुछ मौजूद नहीं है अभी, ठीक है, इस फोल्डर में कुछ मौजूद नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके एक नई पोस्ट बनाता हूँ, यहाँ से आके मैं एक नई पोस्ट बनाता हूँ और उसमें ये एप्पल लोगो में साथ भेजता हूँ, और जब मैं इसको क्या करूँगा, जब मैं इसको पब्लिश करूँगा तो वो फोल्डर में पहुँचेगा, वहाँ सेव होगा, और स्टोरेज बकेट में जाते जाते फिर वो फोल्डर से डिलीट भी हो जाएगा। तो मैंने पोस्ट किया और यहाँ पर 200 आ गया, मैं यहाँ जाके देखूँगा अपलोड के फोल्डर में कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने यहाँ से डिलीट कर दिया अपलोड करने के बाद। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा जो अपलोडिंग वाला पार्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ और रहती है, इसको मैं यहाँ के ज़रा रिफ्रेश करके देखता हूँ कि यहाँ पे जो फाइल आके सेव हुई है मेरे पास वो किस तरह से सेव हुई है। वो यहाँ पे रूट पे सेव हो गई है सारी की सारी फाइलें, ये मुझे नहीं करना, मुझे इसको एक फोल्डर में डालना था, क्योंकि प्रोफाइल फोटोज़ में एक अलग फोल्डर में डालूंगा, पोस्ट की फ़ोटो में एक अलग फोल्डर में डालूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, इसके नाम के अंदर जो है ना वो बताना होता है मुझे। तो मैं लिहाजा क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं बोलूँगा इसको डेस्टिनेशन क्या होगी इसकी, ठीक है। डेस्टिनेशन के अंदर मुझे क्या चाहिए होता है, एक अदद स्ट्रिंग चाहिए होता है, स्ट्रिंग में मुझे क्या देना होता है कि फाइल का नाम क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई प्रोफाइल .jpg, तो ये नाम लिखने से ये कहाँ सेव करेगा, ये रूट पे सेव करेगा और प्रोफाइल .jpg के नाम से सेव करेगा, नो मैटर कि मैंने zip फाइल दी है क्या दी है, वो प्रोफाइल .jpg के नाम से उसको सेव कर देगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि वो प्रोफाइल के अंदर जाए तो मैं ऐसे करूँगा, तो अब क्या करेगा, ये एक फोल्डर बनाएगा प्रोफाइल के नाम से और उसके अंदर फाइल को इस नाम से सेव करेगा, सही है।
फाइल को इस नाम से सेव करेगा। तो मैं जितने फोल्डर बनाने उतने स्लैश स्लैश लगाता जाऊंगा, फोल्डर बनता जाएगा। तो मुझे एक्चुअली क्या करना है कि यहाँ पे मैंने करना है पोस्ट आईएमजी ऐसे और स्लैश करके मुझे अपने फाइल का नाम यहाँ पे बताना है। तो मैं फाइल का नाम हाथ से नहीं लिखूंगा क्योंकि हाथ से लिखने पे कभी जेपीजी कभी पीएनजी कुछ भी तो हो सकता है ना। तो मैं जेपीजी हाथ से तो नहीं लिख सकता, ये भी नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं हाथ से नाम लिख दूंगा फिक्स तो प्रोफाइल के नाम से पहली फोटो अपलोड हुई दूसरी होगी ना तो पुरानी रिप्लेस हो जाएगी। तो मैं ये हाथ से प्रोफाइल का नाम भी नहीं लिख सकता यहाँ पे और ना ही एक्सटेंशन लिख सकता हूँ। तो मैं इतना पार्ट ऐसे लिखूंगा और बाकी का पार्ट मैं क्या करूँगा, वो जो था ना पहले आ रहा था, ठीक है ये तो इसने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। मैं एक्चुअली क्या करूँगा इसको, मुझे फाइल का नाम मिलता है ना ओरिजिनल नाम, वो कहाँ मिलता है मुझे, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा होता है फाइल का ओरिजिनल नाम ना, तो ये मुझे मिल रहा है ओरिजिनल नाम, तो ये नाम मैं लगा दूंगा साथ में, ठीक है। बल्कि ये नाम लगाऊंगा मैं, ये नाम मेरे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये नाम मेरे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट। तो मैं डायरेक्ट फाइल नेम करूंगा इसको, ठीक है, डॉट पाथ की जगह डॉट फाइल नेम। मैं कहूंगा कि यार प्रोफाइल स्लैश और फाइल नेम, सही है। तो अब ये प्रोफाइल के फोल्डर में स्टोर करेगा इसको, ये रूट पे सारे को नहीं फेंकेगा, ठीक है। रूट पे फेंकने में से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैंने वहाँ जाना थोड़ी है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप रूट के ऊपर सारी इमेजेस को यूं आप कर दें, ठीक है। कल को मुझे क्या करना होगा, इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना होगा या एक स्टोरेज बकेट से दूसरे पे लेके जाना होगा। तो मेरे लिए ना ये ज़्यादा आसान रहता है अगर मैं इस तरह से शुरू से ही इसको मैनेज्ड वे में लेके चलूँ। तो मैंने अब क्या कर दिया, इसको ऐसे सेट कर दिया। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, तमाम की तमाम फाइलों को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं जब नई फाइल अपलोड करूँगा तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो मेरे डिज़ायर्ड वे में सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगेन यहाँ आता हूँ, पब्लिश का बटन दबाता हूँ, यहाँ से पोस्ट कंप्लीट हो गई। यहाँ जाता हूँ, वापस इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, स्लैश प्रोफाइल, और अंदर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, नाम बिल्कुल सही आ रहा है, सही है, ज़बरदस्त काम हो गया, बेहतरीन काम हो गया। अब जो लास्ट पार्ट रह गया मेरा, वो क्या रह गया कि इस इमेज को मैं यार डिस्प्ले भी करवा दूँ साथ साथ, इस इमेज को मैं क्या करवा दूँ, डिस्प्ले भी करवा दूँ साथ साथ। तो लिहाजा अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं यहाँ फीड में देखता हूँ, मुझे साथ में रिस्पॉन्स के अंदर ना इमेज भी मिलती है हर पोस्ट के साथ, ठीक है, आईएमजी के नाम से। तो मुझे जस्ट ये करना है कि इस आईएमजी को मैं यहाँ पे ना वो कर दूँ, मुझे शायद यहाँ पे एक छोटा सा ट्वीक और भी करना पड़े, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मुझे वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो यूआरएल है ना उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा होता है छोटा सा, वो जो स्टोर सही नहीं होता स्टोरेज उसमें ना MongoDB में। वेल, तो मैं पेजेस में जाता हूँ और मैं होम पे जाता हूँ, और home.jsx में जाने के बाद मैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, यानी पोस्ट का टाइटल, पोस्ट का ऑथर और टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के फ़ौरन बाद में क्या कर देता हूँ, एक IMG का टैग लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस पर क्या होगा डिस्प्ले, इस पर होगा post.img होगा ये, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई पोस्ट इमेज, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, AI के थ्रू इसका कैप्शन जनरेट करवा के या इसका अल्टरनेट टेक्स्ट जनरेट करा के वो रखना चाहिए, लेकिन चलो फिलहाल अभी हम वो नहीं करते। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इसका साइज़ आ गया, इसकी मैं विड्थ यहाँ से कर देता हूँ कि यार विड्थ इसकी 300 हो गया, ठीक है। अगेन ये वाला काम जो है वो इमेज की विड्थ को लिमिट करने के लिए नहीं होता, लेकिन जस्ट अभी मैं इसको गुजारे के लिए कर रहा हूँ। आइडियली होना ये चाहिए कि मैं इमेज अपलोड करते हुए ना क्रॉपर वगैरह टाइप की कोई लाइब्रेरी लगाऊं जो मुझे एक सर्टेन साइज में हर दफा अपलोड करे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। फेसबुक यही करता है एक्चुअली। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो अब क्या होता है कि ये इमेज यहां पे डिस्प्ले होती है मेरे पास। हाँ, इसमें, हाँ जिसमें नहीं है उसमें ये ब्रोकन आ रहा है, तो मैं इसमें ऑब्वियसली एक टर्नरी लगा दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैंने उसको बोल दिया कि यार आप क्या हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ और post.img जब हो ना आपके पास तो जब ही आप डिस्प्ले करो इस चीज़ को, अदरवाइज आप इसको डिस्प्ले ना करो, ठीक है। तो जिसमें है उसी में डिस्प्ले होगा। अबे नीचे अभी भी हो रहा है, ओके, ये अभी भी पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इमेज पुरानी जो मैंने अपलोड की थी उसको मैंने डिलीट मार दिया है ना, तो वो URL तो मौजूद है उसमें, लेकिन वो असल में ब्रोकन URL है अपना, वो URL अब इट इज़ नॉट एनी मोर। वेल,
तो मैं यहाँ पे अब कुछ नई पोस्ट करके देखता हूँ। मुझे एक्चुअली टर्नरी तो इस पर भी लगाना चाहिए था ना, ये वाली जो जगह है इस पर भी लगा देते हैं ना, लगे हाथों यार। किधर ही गया हमारा फॉर्म के फ़ौरन बाद था ना, फॉर्म के फ़ौरन बाद किधर गया भाई, किधर गया ये, यहाँ पे कहीं नहीं, ये तो सर्च का है, इससे ये वाला है ना। तो इसको भी मुझे एक्चुअली टर्नरी लगाना चाहिए कि अभी ये जो है ना सेलेक्टेड इमेज के अंदर कुछ हो अगर, तभी ये इसको डिस्प्ले करे, अदरवाइज़ इसको ना करिए। शुरू में देखो ये अब कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि यार न्यू पोस्ट, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, और चूज़ फाइल करके मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे कोई इमेज लगाता हूँ जो ज़रा साइज़ में छोटी हो। ठीक है, ये इमेज लगा देता हूँ मैं। ठीक है, ये इमेज लगा दी मैंने, यहाँ डिस्प्ले हो गई। अच्छा, डिस्प्ले भी बहुत बड़े साइज़ में हो रही है ये, शायद मैं इसको मे बी और छोटा करवाना चाहूँ। और पब्लिश पोस्ट का बटन जैसे ही दबाता हूँ मैं, तो ये पोस्ट हो जाता है, और ना सिर्फ ये पोस्ट हो जाता है बल्कि ये नीचे नज़र भी आ जाता है। यहाँ पे एक बी आर मुझे चाहिए होगा, आई थिंक एक बी आर मुझे यहाँ चाहिए होगा। ओके, यहाँ पे मुझे बी आर में किस तरह लगाऊंगा इसमें, बी आर तो मैं लगाऊंगा, फिर मुझे इसको पूरे को इसमें भी पैक करना पड़ेगा एक फ्रैगमेंट के अंदर, क्योंकि वो एक सिंगल चाहिए होता है ना उसको आइटम, इस पूरे को मुझे एक फ्रैगमेंट में पैक करना होगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने कुछ इस तरह की काम, इस तरह की चीज़ की है। ठीक है, मैंने कहा भाई पोस्ट डॉट आई एम जी हो तो ये इतना पार्ट पूरा का पूरा रेंडर करो, अदरवाइज़ ना करो। तो अब मेरे पास ये जो है ना बिल्कुल सही आना शुरू हो गया। इसमें अगेन सी एस एस कोई नहीं लगी हुई इतना पार्ट, लेकिन मेरा क्या है एक अदद पोस्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपने जो पोस्ट हमारी सोशल पोस्टिंग ऐप थी। अच्छा, ये मेरा फॉर्म रीसेट नहीं होता ना पोस्ट करने के बाद, फॉर्म मेरा रीसेट क्यों नहीं होता यार। इसको मैं अगेन ज़रा सेलेक्ट करता हूँ एक को, और मैं क्या करता हूँ जब यहाँ से पब्लिश पोस्ट का बटन दबाता हूँ, फॉर्म मेरा रीसेट नहीं होता। इस फॉर्म को रीसेट करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को रीसेट करवाने के लिए जो भी ये फॉर्म है जहाँ पर भी ये है मौजूद, ये इस जगह पे मौजूद है ना, कहाँ पर मौजूद है, ये वाला फॉर्म है मेरा सबमिट हैंडलर। तो सबमिट हैंडलर के लास्ट में मैं क्या करता हूँ, सबमिट हैंडलर का मेरा फंक्शन किधर मौजूद है, ये इधर मौजूद है, सबमिट हैंडलर हेयर इट इज़। तो इसके अंदर मैं लास्ट में जब मेरा सारा काम सेट हो जाता है, ओके हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट कॉल करता हूँ। सही है, जिससे क्या होगा वो मेरा फॉर्म क्या होना शुरू हो जाएगा, रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगा। अगेन मैं इसको पोस्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर्म तो मेरा रीसेट हो गया, लेकिन ये नीचे जो इमेज डिस्प्ले हो रही थी ये नहीं गायब हुई, इसको मुझे हाथ से गायब कराना पड़ेगा। कैसे भला, जो भी था ना ये सेट क्या था मेरा, सेट सेलेक्टेड इमेज, इसको मैं क्या करा दूंगा, अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग करा दूंगा तो ये सेट हो जाएगा। तो मैं अगेन यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, इमेज सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा नहीं, इमेज तो बड़ी सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ, और मैं पोस्ट का बटन जैसे ही दबाता हूँ तो नीचे ना सिर्फ ये इमेज पोस्ट हो गई बल्कि मेरा फॉर्म जो है वो पूरा का पूरा पहले जैसा हो गया, रीसेट हो गया। ठीक है, तो ये मेरी अब क्या हो गई, सोशल पोस्टिंग ऐप इमेज के साथ इसमें इमेज की कैपेबिलिटी आ गई। अब ये नीचे जो ब्रोकन श्रोकन है इसको हम उड़ा देंगे, इसकी जगह नया हम वो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एडिट करके मैं आईफोन कैमरा, इसको मैंने टाइटल इसका चेंज कर दिया। ठीक है, टाइटल चेंज करने पे क्या एरर आ गया, अबे ये क्या हो गया, ये तो एडिट तो सही चलना चाहिए, एडिट पे क्या एरर आ जाता है, अबे एडिट पे कुछ हो गया, पहले तो सही चल रहा था एडिट। पता नहीं हमने वो छेड़छाड़ की है ना उतने में, तो वो पागल हो गया। ये वो सारे यूआरएल जो के एग्जिस्ट नहीं करते,
योनी यूआरएल्स का एरर आ रहा है। अच्छा मैं ज़रा जाके एक पुरानी पोस्ट को ज़रा एडिट करने की कोशिश करता हूँ। एडिट का बटन दबाया, क्लिक हो गया, एडिट शेडिट यहाँ पे आया, कुछ साथ में टेक्स्ट लिखा मज़ीद और सेव का बटन दबाया, अनडिफाइन हो जाता है ये रिक्वेस्ट मारता ही नहीं है। अगर ये सर्वर पे रिक्वेस्ट ही नहीं करता और ये ऐसे ही अनडिफाइन दे देता है। क्या किया हमने, ये ज़रा एक नज़र इसको देख लेते हैं। वैसे तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम बहुत पहले कवर कर चुके थे। सबमिट हैंडलर तो ये रहा ना, डिलीट का ये हो गया, एडिट सेव ये हो गया, ठीक है, एडिट सेव ये हो गया। तो एडिट सेव में मुझे क्या मिलता है, इवेंट मिलता है, और जिससे मैं ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू तीनों वैल्यूज गेट करता हूँ, और प्लस इस लोडिंग को सेट करता हूँ, पुट की रिक्वेस्ट करता हूँ। ओए होए, ये पुट की रिक्वेस्ट के अंदर इतने स्पेसेस कहाँ से आ गए भाई? नहीं नहीं ये कौन सी स्टाइलिंग है जो इसको, नहीं नहीं स्टाइलिंग का नहीं था ये इशू। वेल तो यहाँ कुछ हो गया था गड़बड़ा, बस बाकी तो सब सही है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही तरह से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। लगा हुआ तो ये बिल्कुल सही तरह से है, लगा हुआ तो ये बिल्कुल सही तरह से आ जाते हैं। अब दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, अब ये चलना शुरू हो गया। समहाउ क्या हो गया था, उसकी यूआरएल के अंदर कोई मसला आ गया था। तो मैं इसको एडिट करता हूँ, और क्या था भाई, वो एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं ना। ये मैं इसको एडिट करने जा रहा हूँ ना, तो इसमें मैं कह देता हूँ आईफोन एक्शन बटन, एक्शन बटन इसका टाइटल है, सही है, टाइटल मैंने चेंज कर दिया, तो ये आईफोन एक्शन बटन हो गया। उसके बाद ये आईफोन कैमरा हो गया एडिट। अरे ये क्या हुआ, अच्छा आईफोन कैमरा शायद दो दफ़ा पोस्ट हुआ हुआ है, एक को डिलीट कर देते हैं, डिलीट भी ताकि पता लग जाए ना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। डिलीट किया मैंने, अबे ये क्या इंटरनेट पर रिक्वेस्ट ही नहीं लगी, डिलीट में भी वही मसला आई थिंक हो गया। डिलीट में भी शायद वही मसला हो गया, डिलीट का बटन, डिलीट पोस्ट हैंडलर। अबे भाई ये क्या सीन है यार, ये किसने कर दिया यार, वेल तो अब यहाँ से मैं एक को डिलीट करना चाहता हूँ, हो गया डिलीट होना शुरू हो गया भाई। अब अच्छा इसको मैं कह देता हूँ कि ये आईफोन कैमरा एडिट, आईफोन कैमरा सेव, सही है, आईफोन कैमरा हो गया ये। ये क्या हो गया, इसको अभी इमेज एडिट तो पता लग गया ना तुमको कैसे होती है, चाइल्ड ईटिंग फूड, सही है, सेव, सही है, चाइल्ड ईटिंग फूड हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे इसका मैंने नाम लगा दिया कि ये एप्पल लोगो है, एप्पल लोगो सेव, सही है। जो मैंने अभी पोस्ट की थी इमेजेस के साथ उसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा उसको मैंने इम्प्रूव कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, सर्च बार में जाके लिखता हूँ, क्या भला लिखता हूँ मैं, सर्च बार में मैं लिख देता हूँ फूड और एंटर करता हूँ। अबे यार इसका भी कोई गड़बड़ हो गया, ये सब सब जगह यूआरएल को क्या हो गया यार, सही है भाई। अब मैं यहाँ पे फूड लिख के अब ज़रा अगर एंटर करूँ तो, अच्छा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद, फूड और एंटर एरर आ गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट नेम। इसके अंदर कोई फर्स्ट नेम करके कोई चीज़ लगाता हूँ मैं, लगाता था मैं, सेट ऑल पोस्ट, सेट ऑल पोस्ट के अंदर कुछ चीज़ आती है जिसमें फर्स्ट नेम नहीं आता। देख लेते हैं एक दफ़ा सर्वर पे जाके कि सर्च वाले में क्या रिटर्न करता हूँ मैं एक्चुअली, ज़रा एक एक दफ़ा तो चला के तो देखें ना बाकियों को सबको, ताकि पता तो लगे हमें हो क्या रहा है। सर्च किधर है यार,
ये रहा सर्च, ये मैं सर्च लगाता हूँ इधर एम्बेडिंग के थ्रू, पूरा सर्च करके लेके आ जाता हूँ मैं। अच्छा प्रोजेक्शन में मैंने यहाँ पे ना ये लगाया हुआ है, अच्छा एम्बेडिंग जीरो लगाया हुआ है, बाकी तो सब सही है। अब क्या मसला है, एक मिनट, इसके रिजल्ट में क्या आया है, पेलोड, अच्छा प्रीव्यू, ये आया है प्रीव्यू में, ओके गॉट इट। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो वो ऑथर आईडी है ना मेरी, मैं उसको पॉपुलेट करके मंगवाता था फीड में, तो और मैंने उसके हिसाब से अपनी यूआई कर दी, यहाँ पे वो पॉपुलेशन लग नहीं रही, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो सर्च का जो रिजल्ट है ना, इसमें भी एक्चुअली इसमें भी तो एग्रीगेशन लग रही है ना, कलेक्शन डॉट एग्रीगेट लग रहा है, तो इस एग्रीगेट में मुझे वो सारी चीज़ें लानी होंगी जो मैं उसके अंदर लाता था ना, वो अनबाइंड और करके और वो सारा करके, तो मुझे वो इसके अंदर भी ऐड करना होगा। ठीक है, क्या ख्याल है, अभी ऐड कर लें या? मेरे ख्याल है ये ऑब्वियस बात है बहुत ही, ये खुद ही कर लोगे तुम लोग। सही है, चलो यार इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और फाइल अपलोड जो है वो सब लोग घर पर ट्राई कर लेना, कोई सवाल होकर तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। हाँ अभी कर देता हूँ, ये कोर्ट पुश कर देता हूँ मैं, फाइल अपलोड क्लास कोड, ठीक है, ये पूरा कोड मैंने पुश कर दिया है, इट इज़।